हमारे महासागर पृथ्वी की 70% से अधिक सतह को कवर करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये मैरीन एनवायरनमेंट्स पृथ्वी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी पर जीवन का अधिकांश भाग जलीय है। चूंकि पृथ्वी की 70% सतह पानी के नीचे है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समुद्री प्रजातियां पृथ्वी की सतह पर जीवन की तुलना में कई गुना अधिक हैं। आपको जानकर विस्मय होगा कि पृथ्वी पर मिलने वाले जीवन का 94% हिस्सा समुद्र के अंदर है। अब तक महासागरों के मात्र 5% हिस्से को ही मानव के द्वारा एक्सप्लोर किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पानी के अंदर है। धरती की इस सबसे लंबी श्रृंखला को मिड ओशियन रिज का नाम दिया गया है। मिड ओशियन रिज लगभग पूरी तरह से समुद्र के नीचे है। मिड ओशियन रिज 65,000 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। मिड ओशियन रिज को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मिड ओशियन रिज एंडीज माउंटेन रेंजेस से 10 गुना बड़ा है। समुद्र के नीचे इतने अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां अथवा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जितनी कि सारी दुनिया के सभी म्यूजियम्स में भी नहीं है। लगभग 1000 शिप रैकेज अथवा समुद्री जहाजों का मलबा अकेले फ्लोरिडा के नीचे के समुद्र में स्थित है। यह सारा फ्लोरिडा कीज नेशनल मेरीन सैंक्चुरी के अंदर आता है। हाल ही के वर्षों में पानी के नीचे कई अन्य म्यूजियम्स का निर्माण किया गया है, जिसमें मेडिटेरेनियन सबमर्ज्ड ब्रॉन्ज स्टैच्यू क्राइस्ट ऑफ द एबिस भी शामिल है। हम अभी भी अपने महासागरों में समुद्री प्रजातियों का कुछ अंश ही जानते हैं। मैरीन स्पीशीज के वर्ल्ड रजिस्टर के अनुसार अब तक 2,40,470 स्पीशीज को रजिस्टर किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितनी स्पीशीज समुद्र में वास्तव में है, यह उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब प्रतिदिन समुद्री जीवन की खोज की जा रही है। हमारे ग्रह के ऑक्सीजन का 70% से अधिक महासागर द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 70 से 80% के बीच जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, वह समुद्री वनस्पतियों के द्वारा निर्मित होती है। ये समुद्री वनस्पतियां समुद्री शैवाल अथवा मैरीन एल्गे हैं। समुद्र के नीचे नदियों और झीलों का मिलना संभव है। जब खारे पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में मिलते हैं, तो यह आसपास के बाकी के पानी की तुलना में भारी हो जाता है, जिससे यह भारी पानी समुद्र के नीचे बहने वाली झील या नदी का रूप ले लेता है। न केवल पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा महासागर के नीचे मौजूद है, अपितु अमेरिका का लगभग 50% हिस्सा महासागर के नीचे स्थित है। प्रशांत महासागर अथवा पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसमें लगभग 25,000 आइलैंड्स हैं। प्रशांत महासागर अथवा पैसिफिक ओशियन में पृथ्वी पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक आइलैंड्स हैं। महासागरों में लगभग 20 मिलियन टन सोना बिखरा हुआ है। समुद्र के तल में भी सोना दबा हुआ है, लेकिन इसको बाहर निकालना बहुत ही महंगा है, मतलब यह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। समुद्र में इतना सोना है कि यदि समुद्र का सारा सोना पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के बीच समान रूप से बांट दिया जाए, तो हम में से प्रत्येक को 9 पाउंड सोना मिलेगा। ग्रेट व्हाइट शार्क्स का अपना अंडरवाटर कैफे है। गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए केवल इंसान ही नहीं जाते। 2002 में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के एक दूर दराज के हिस्से में एक क्षेत्र की खोज की, जो बाजा कैलिफोर्निया और हवाई के बीच का हिस्सा है। इस हिस्से में आमतौर पर कोस्टल ग्रेट व्हाइट शार्क्स सर्दियों में माइग्रेट करती हैं।
वैज्ञानिकों ने इस स्थान को व्हाइट शार्क कैफे का नाम दिया है और कुछ शार्क कई महीनों तक गर्म मौसम आने तक वापस अपने पहले वाली जगह पर जाने से पहले इस व्हाइट शार्क कैफे नामक क्षेत्र में घूमती रहती हैं। समुद्र के तल पर वाटर प्रेशर पानी का दबाव मनुष्य को चींटी की तरह कुचल सकता है। मारियाना ट्रेंच हमारी पृथ्वी का डीपेस्ट पॉइंट है। मारियाना ट्रेंच में वाटर प्रेशर 8 टन प्रति वर्ग इंच है। यदि कोई मनुष्य इस क्षेत्र में जाए तो उसे महसूस होगा मानो उसके सिर पर 50 जंबो जेट्स जितना वजन हो। मारियाना ट्रेंच की तुलना में चांद पर अब तक अधिक लोग जा चुके हैं। मानव इतिहास में 1 दर्जन लोग चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं, लेकिन मारियाना ट्रेंच की चरम स्थितियों के कारण अब तक केवल 3 लोग ही इस ट्रेंच तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इन लोगों में से एक है डायरेक्टर जेम्स कैमरून। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के तल पर कुछ हिस्सों में पानी बेहद गर्म होता है। समुद्र के इन सबसे गहरे हिस्सों में पानी का तापमान केवल 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा समुद्र के पानी में कहीं कहीं पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स से पानी निकलता है। इन वेंट्स में से निकलने वाला पानी 400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा झरना समुद्र में है। जमीन पर आप जिस सबसे ऊंचे झरने को देखते हैं वह वेनेजुएला में एंजल फॉल्स है। एंजल फॉल्स की ऊंचाई 3200 फीट है, लेकिन यह एंजल फॉल्स डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच पानी के नीचे का एक झरना है। यह झरना डेनमार्क स्ट्रेट के दोनों ओर के पानी के तापमान में अंतर से बना है। जब पूर्व का ठंडा पानी पश्चिम से गर्म पानी से टकराता है तो यह 11,500 फीट की गहराई में गर्म पानी के नीचे बहता है। नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट का फ्लो रेट 123 मिलियन क्यूबिक फीट पर सेकंड से भी ज्यादा है। डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट का फ्लोइंग रेट नियाग्रा फॉल्स से भी 50,000 गुना ज्यादा है। मेडिटेरेनियन सी अथवा भूमध्य सागर कुछ 50 लाख साल पहले तक एक सूखा बेसिन अथवा सूखी घाटी हुआ करता था। द ओशियंस कैनियंस के कारण ग्रेट ग्रैंड कैनियन छोटा लगता है। समुद्री बर्फ का पानी पीने के योग्य होता है। आप समुद्र का पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन आप समुद्री बर्फ के पानी को पी सकते हैं, किंतु ताजा समुद्री बर्फ का पानी पीने के योग्य नहीं होता, क्योंकि इस बर्फ में नमक के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे जैसे बर्फ पुरानी होती चली जाती है उसमें से नमक निकलता चला जाता है और तब यह पुरानी बर्फ को पिघलाकर इसका पानी पीने के योग्य बन जाता है। महासागरों में इंटरनेट कनेक्शंस हैं। पिछले कुछ दशकों से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अनुसार महासागरों के भीतर गहराई में दबी सबमरीन केबल्स ने 97% से अधिक अंतर महाद्वीपीय डेटा ट्रैफिक को आगे बढ़ाया है, जिसका अर्थ है कि ओशियन बेस्ड केबल्स के द्वारा विदेशी संचार संभव हो गया है। पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी महासागर में होते हैं। पृथ्वी पर 90% ज्वालामुखी गतिविधियां समुद्र में होती हैं और एक्टिव ज्वालामुखियों की सबसे बड़ी संख्या साउथ पैसिफिक ओशियन में है। साउथ पैसिफिक ओशियन का यह क्षेत्र न्यूयॉर्क शहर से बड़ा नहीं है, लेकिन साउथ पैसिफिक ओशियन में 1133 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। महासागरों के कारण पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा अंधकार में डूबा रहता है। महासागरों की औसत गहराई 12,100 फीट है और क्योंकि प्रकाश की तरंगे केवल 330 फीट पानी की गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं,
100 मीटर पानी की गहराई को चीर पाना लाइट वेव्स की सीमा रेखा है। इस पॉइंट के नीचे बिल्कुल अंधकार छा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की 70% सतह पानी के नीचे है, इसलिए पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा हर समय अंधकार में डूबा रहता है।